हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, विदाउट पॉट के भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं। तो मैं ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिनका आप रीयूज कर सकते हैं। तो तेल का पीपा है, मिट्टी का मटका है, प्लास्टिक का डब्बा है, पोली बैग है या फिर प्लास्टिक स्पेस में आप सब्जियाँ लगा सकते हैं। ये देखिए, तेल का जो पीपा है उसको मैंने काट के दो प्लांट एक पीपे से तैयार किए और सब्जियाँ बहुत अच्छी लगी। इसी तरह से मिट्टी के जो पुराने मटके होते हैं उन्हें भी आप सब्जियाँ लगा सकते हो। ये देखिए, हमारी गोभी लगी हुई है पुराने मिट्टी के मटके के अंदर। तो किचन गार्डन जब आप सब्जी उगाते हैं तो मिट्टी कैसे तैयार करें? मिट्टी पौधे का आधार होती है और मिट्टी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पहली समस्या तो होती है कि मिट्टी लाए कहाँ से? तो मिट्टी अपने आसपास खाली प्लॉट हो वहाँ से आप ले सकते हो, या फिर नर्सरी वालों से मिट्टी आप मंगवा सकते हो। अगर आप मेरी तरह अगर गमला भरते हो तो आपको किचन गार्डनिंग करना काफी आसान हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैं अपनी मिट्टी तैयार करती हूँ। देखिए कितनी अच्छी सब्जियाँ लगी। सिर्फ मिट्टी हमारी अगर अच्छी होती है तो उससे मैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो किस तरह से मैंने इनमें मिट्टी भरी है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गोबर खाता आप गौशाला वगैरह से ला सकते हो या फिर घर में आप किचन कंपोस्ट तैयार कर सकते हो। दूसरा, जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं उनको आप धूप में सुखा लें अच्छे से और उनको भी अपनी मिट्टी में मिला दें। सूखी पत्तियाँ आप मिट्टी में मिला सकते हो और मिट्टी तो आप पार्क वगैरह से ला ही सकते हो या फिर आप नर्सरी से मिट्टी मंगवा लें। तो इन चीज़ों को हम अगर अच्छे से मिलाकर और हमारी मिट्टी तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट रहता है। नारियल के छिलके होते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप उनका उपयोग भी अपनी पोट भरने में कर सकते हो। तो मिट्टी में मैंने कंपोस्ट को अच्छे से मिला दिया है। 60% मिट्टी और 40% कंपोस्ट उसको अच्छे से मिला लिया है और ये सब्जियों के छिलके उनके बीच में हम परते दे देंगे। तो जैसे ये नारियल के छिलके हैं, ये तेल के पीपे में जो हमने होल बनाया था उसके ऊपर हमने नारियल के छिलके रख दिए हैं। इससे एक्स्ट्रा पानी हमारा निकल जाएगा और उसके बाद हम इसे भरेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम मिट्टी डालेंगे। तो मिट्टी में हमने कंपोस्ट अच्छे से मिला लिया है, उसके बाद हम इसमें मिट्टी भर रहे हैं और बीच में हम इसमें जो सब्जियों के छिलके हमने सुखा के रखे हुए हैं इनको हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से अगर आप पोट भरते हो तो आपको बीच में किसी प्रकार का कंपोस्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप अपने पोट भरें। अब इसके बाद हम फिर से इसमें मिट्टी भर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं सारे अपने पोट भर लूंगी और उसके बाद मैं इनमें सब्जियां लगाऊंगी। तो आप गर्मियों की, सर्दियों की सभी तरह की सब्जियां इस प्रकार की मिट्टी तैयार करके लगा सकते हैं। रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह की जो गमले होते हैं 12 इंच के गमले वगैरह, उसमें आप बैंगन टमाटर के पौधे लगा सकते हो। और ये देखिए तेल के पीपे, इसमें आप हरी सब्जियां पालक वगैरह धनिया ये लगा सकते हो, बहुत अच्छे से इनमें चलती है। इनमें मैंने सर्दियों की सब्जियों में मेथी पालक धनिया सब कुछ लगाया था, मेरा बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट रहा। पर मेरी मिट्टी बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं मिट्टी इसी तरह से तैयार करके भरती हूँ, फिर बीच में मुझे इसमें कंपोस्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इस तरह से सारे पोट में भर लूंगी। इसी तरह से आप मिट्टी के मटकों को भर ले। इसी तरह से जो प्लास्टिक के छोटे छोटे टब जो आते हैं, ये देखिए साबुन का टब है, बीच में इसमें होल बना रखा है। तो होल आप हर जो प्लांटर उसके अंदर बना लें, जिसके बाद आप मिट्टी भरें। तो इस पे भी मैंने नारियल का छिलका लगा दिया होल के ऊपर, जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। और उसके बाद मैं इसमें मिट्टी भर रही हूँ। तो इसमें धनिया वगैरह इस तरह की चीज़ें हम लगा सकते हैं, छोटे छोटे जो हमारे पास पॉट होते हैं। अजवाइन का पौधा आप लगा के रख सकते हो, धनिया लगा सकते हो, बहुत ईजिली इनमें लग जाती है। ये सारे पॉट मैंने इस तरह से भर दिए। इसी तरह से देखिए कट्टे होते हैं, इसमें आप उसे बेल वाली सब्जियाँ लगा सकते हो। इसमें नीचे मैंने सारे नारियल के छिलके वगैरह, और अगर आपके पास पत्ते वगैरह हो तो वो भी आप इसमें नीचे डाल सकते हो, जिससे हमारी छत पर वजन नहीं पड़ेगा और ये नीचे से डिकम्पोस्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। और उसके बाद हम इसमें मिट्टी भरेंगे। तो नारियल के छिलके मैंने नीचे कट्टे में बिछा दिए हैं अच्छे से। उसके बाद सूखी पत्तियां मेरे पास पड़ी हुई थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह से कट्टों में भी आप सब्जियां लगा सकते हो, जैसे बेल वाली सब्जी है, खीरा है, ककड़ी है, ये आप कट्टों में भर के लगा सकते हो। उससे वजन भी छत पर नहीं पड़ता और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। या फिर आप चाहें तो बैगन टमाटर वगैरह भी लगा सकते हो। तो इस तरह की कोई भी सब्जी जो आपको पसंद हो आप कट्टों में भी लगा सकते हो। तो प्लांटर तो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदने, घर में काफ़ी सारे प्लांटर होते हैं, रिजल्ट भी इनका बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसी तरह से प्लांटर तैयार करती रही हूँ एकदम फ्री में। मिट्टी भी आपके सामने मैंने भर दी है किस तरह से मैंने तैयार की है, उसके बाद में सब्जियाँ लगाती रहती हूँ, रिजल्ट आपके सामने है और बाकी अपडेट मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो इस तरह से आप सब्जियाँ लगाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।